आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर में क्या परेशानी है, इसका पता कैसे लगाया जाए। आप सभी मिलते हो तो भी यही सवाल है, फोन आते हैं, नीचे कमेंट आते हैं, सभी का रिप्लाई नहीं कर पाते, सभी से मिल भी नहीं सकते, तो इन चीज़ों के लिए माफी चाहेंगे। तो बहुत सारे प्रेमियों का जब सेम यही चीज़ रिपीट की गई, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों के पास भेज दी जाए। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आप घर पर रहकर कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई भी। और कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सारे सवालों के जवाब देने की। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके साथ आप फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, आपका अपना परिवार है, बने रहिए और इस जानकारी को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए, साझा करिए, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके। क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति परेशान है और वो अपनी परेशानी को लेकर किसी चौकियों पर जा रहा है, किसी तांत्रिक भक्त ओझा के पास जा रहा है। यहाँ मैं खुलकर बता देना चाहता हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ भाई, मैं किसी की कोई पूछा नहीं देखता। कहीं गलती से आप ये वीडियो देख के कोई मेरा गांव का हो, कोई मेरी रिश्तेदारी से हो, आ मत जाना कुछ पूछने, मैं किसी को कुछ नहीं बताता, हमें कोई भी चीज़ बताने की आज्ञा नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, ठाकुर जी ने रहमत कर रखी है, करुणा कर रखी है कि आप लोग जब सामने आते हो तो आप लोगों का जो बायोडाटा होता है वो आपका चेहरा बता देता है, हमें पता चल जाता है कि आपकी परेशानी क्या है। और आगे छोड़ो इस बात को, अब जब हम घर पे रह के इन सब बातों को कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले आप एकांत में बैठिए, कोशिश करिए घर के मंदिर में बैठा जाए, वो जगह अपने आप में शुद्ध और सिद्ध होती है। अपने घर के ही मंदिर में बैठ जाइए, घर के मंदिर में बैठकर ये सोचिए कि हम किस कारण से परेशान हैं। क्योंकि 90% लोगों को तो उनकी परेशानी ही नहीं पता होती कि वो परेशान किस वजह से हैं, और फिर वो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, गलत बात है। बैठकर अपने आप से सवाल करिए कि मैं या मेरा घर परेशान क्यों है, किस वजह से है। आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई एक बात ऐसी आएगी जो सच्ची होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी वास्तविक परेशानी ये है। क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आती है वो सही आती है, वो आपका सही मार्गदर्शन करती है। जब आपको पता लग जाए सच में, जरूरी नहीं एक दिन बैठोगे, दो दिन बैठो, तीन दिन बैठो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, जब तक आपका मन करे बैठो अपने ही घर के मंदिर पे, कहीं नहीं जाना पड़ा, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन वास्तविक परेशानी को ढूंढ के निकालो कि आपके घर की परेशानी क्या है। अब जैसे मान लो आपके घर की परेशानी की शादी ना होना, बच्चे ना होना, या बच्चों का कोई इंटरव्यू क्लियर ना होना, ये परेशानियां नहीं होती। इनके पीछे जो इनकी जड़ है, उस जड़ तक पहुंचो। क्यों? अगर आज आप जड़ तक नहीं पहुंचे ना, तो आने वाली पीढ़ी आपसे भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। अब वो जड़ क्या होती है? कहीं ना कहीं घर के लोगों का नशा करना, कहीं ना कहीं घर में अशुद्धि होना, कहीं ना कहीं हमारा आलस्यपन, कहीं ना कहीं देवी देवताओं की पूजा ना करना, कहीं ना कहीं पितरों की पूजा ना होना, कहीं ना कहीं किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण, कुछ भी हो सकता है। वास्तविक समस्या ये नहीं कि आपका बच्चा किसी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहा है, वास्तविक परेशानी ये है कि कोई ना कोई आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो ये सब कुछ करने से आपको और आपके परिवार को रोक रही है। तो जब एक दिन दो दिन बैठोगे ना, तो ये सारी चीजें जहन में उतर जाएंगी। फिर भी मान लो आपको नहीं पता चला, तो आप एक काम करिए, पता चल जाए तो भी, ना पता चले तो भी, आप 11 रुपए लीजिए, 10 रुपए, 1 रुपए का सिक्का, 11 रुपए लीजिए, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। उन 11 रुपए को लेकर बोलना है कि मेरा नाम ये है, पिता का, पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है, और मेरे घर में इस समय आपके सामने उस समय जिस भी देवी देवता की तस्वीर हो, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान राम, श्री कृष्ण, शिव माता, किसी की भी फोटो हो, बोल दीजिए कि हे प्रभु, इस समय आपके इस घर में जो परेशानी है वो खुलकर हमारे सामने लाइए, हे पितृ महाराज, आप हमारी मदद करिए इस काम में। उसके बाद उन 11 रुपए को लेकर पूरे घर की फेरी दीजिए, क्लॉकवाइज पूरे घर में घूम जाइए, घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को एक बार टच करवाइए उन 11 रुपए, यानी सभी का हाथ लगवाइए उन 11 रुपयों से। लगाया, अब उन 11 रुपए को किसी ऐसे स्थान पर रख दो जहां से कोई उठा ना ले। कई बार क्या होता है, बच्चे खेलते खेलते उन पैसों को उठा लेते हैं, या किसी को जैसे मतलब 5-10 रुपए की जरूरत पड़ती है वो उठा लेता, उसे ये नहीं पता कि ये किसी चीज के रखे हुए हैं, तो आप उसे संभाल कर रखें किसी ऐसी जगह पर जहां से कोई उसको उठा ना सके, क्योंकि आपने वो स्पेशल किसी काम के लिए रखे हुए हैं। अब जो आपने 11 रुपए पूरे घर की फेरी दे के रखे हैं, आपके घर की जो भी परेशानी होगी वो आपको सौपन के माध्यम से पता चलेगी।
कैसे, आपके घर में जितने भी लोग हैं, 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, तो उन लोगों के सौपन में कोई ना कोई ऐसी एक घटना घटित होगी जो आपको बताएगी कि आपके घर की परेशानी ये है। अब उस घटना का जिक्र किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी भी सदस्य को हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं आप पूजा पाठ करते हो तो शक्ति आपसे ही खुश हो, वो किसी अन्य से खुश हो सकती है, क्योंकि भाव किसी का कुछ भी हो सकता है। अकेले साधन व साधना के बल पर भगवान के निकट नहीं जाया जाता, भाव के द्वारा बहुत जल्दी जाया जाता है। और कुछ प्रेमी घर में ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जो बोलते ना कि ये तो बिल्कुल ही भावपूर्ण तरीके से भगवान से जुड़े, यानी उन्हें ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के द्वारा नहीं जुड़े भगवान से, वो पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन उनके अंदर के भाव इतने मजबूत हैं कि वो भाव के माध्यम से भगवान से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है उनके सौपन में कोई चीज आ जाए। कई बार जो ये चीज बताई जाती है ना सौपन के माध्यम से, ये 95% आपके घर के पितर बताते हैं। और जब घर में माता पिता या दादा दादी होते हैं तो उनके ऊपर पितर खासकर प्रसन्न होते हैं, तो हो सकता है उनको सौपन के माध्यम से बता दें। तो अब तो ये आपके घर की शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है, आपके घर के लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उनका भाव कैसा है और वो किस माध्यम से आपको शक्ति संकेत देगी। अब रात को सौपन के माध्यम से 11 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी परेशानी क्या है। उसके साथ साथ आप भी हर रोज 11 दिनों तक भगवान को याद दिलाइए कि मैंने 11 रुपए रखे हैं इस काम के लिए, तो लगभग 5 से 6 दिन में ही आपको ये चीजें सौपन के माध्यम से हिंट मिलनी शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी हिंट मिल। जैसे अगर पितरों की परेशानी है तो रात को सौपन में आपके पूर्वज यानी मरे हुए लोग आपको दिखाई देने लगेंगे, किसी देवी देवता की। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बच्चा पैदा हुआ, हमने बोल दिया माता रानी ये कर दे, हम दरबार में आएंगे, श्रृंगार चढ़ाएंगे, ये करेंगे, और हमने नहीं किया। या फिर कई बार हमसे पहले हमारे बुजुर्ग कुछ बोल के जा चुके हैं अपनी कुल देवी कुल देवता के लिए, वो हम नहीं चढ़ाते, तो थोड़ी थोड़ी वो परेशानी घर में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने कुछ तो बोल रखा है, आपने नहीं बोला तो आपके बुजुर्गों ने बोला है, तो वो कई बार ऐसी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं आसपास के वातावरण में जो आपको परेशान कर देती है। उसके साथ साथ अगर इन 11 दिनों में भी ये चीज आपके सामने नहीं आती तो सोच लेना कि आपके घर किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है और आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास नहीं है, और जहां दिव्य शक्तियों का वास नहीं होता वहां भूत प्रेत का निवास होता है। इसका मतलब आपका घर घर नहीं है भाई, वो भूत प्रेत का एक ठिकाना बन चुका है, और आपको हर हाल में इन चीजों से निकलने के लिए अपने घर का शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं है कि एक प्रेमी ने नीचे कमेंट में लिखा था कि इसकी बातों को मत मानना, इसके चक्कर में मैंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। आज तक कोई भी एक वीडियो मैंने ऐसा नहीं डाला है जिसके ऊपर मैंने कोई ऐसी विधि बताई हो। मैं तो जानबूझ के बोलता हूँ भाई, खुद के पंडित, खुद के पुजारी, खुद के ब्राह्मण, खुद के शास्त्री, खुद बन जाओ भाई, कोई चक्कर नहीं होता। क्या वो माँ के पेट से सीख के आता है कोई? नहीं, कोई नहीं सीख के आता। तो खुद के खुद बन जाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो, घर का शुद्धिकरण भी खुद से ही होगा, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी, अन्य प्रेमियों के साथ इस जानकारी को साझा करिए ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके, वो भी केवल 11 रुपए के माध्यम से अपनी घर की परेशानी को देख सके, पता कर सके और उसके अनुसार आगे वैसा ही काम कर सके। जय श्री श्याम।